मामी के साथ हुए अवैध संबंधों में बाधा बन रहे मामा की भांजे ने गला रेत कर के हत्या कर दी। मामले में खंडेला थाना पुलिस ने सिर्फ 12 घंटों के भीतर ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया और आरोपी भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया है। खंडेला थाना अधिकारी मांगीलाल ने बताया कि माना की ढाणी के नदी क्षेत्र में गुरुवार को किशनलाल मीणा का शव मिला था, जिसका गला रेता हुआ था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकारियों के सुपरविजन में जांच की, जिस पर मृतक की पत्नी के लगातार मृतक किशनलाल के भांजे के साथ मोबाइल पर बातचीत होना सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने भांजे आशीष मीणा निवासी शाहपुरा से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल दिया। थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि मामा किशनलाल उसके और मामे के अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था, जिस पर उसकी हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में और कौन कौन आशीष के साथ शामिल था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं मृतक किशनलाल की पत्नी की इसमें किस तरह की भूमिका रही है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। तीन जो हमारे सीकर से के निर्देशन में काम कर रहे थे उससे तालमेल बिठाकर इन टेक्निकल सहायता से मालूमात किया गया। आसपास में लोगों से जानकारी ली कि तो सामने आया कि लड़का जिसका आशीष नाम है वो लगभग शाम को वहीं था, उसके साथ देखा गया था। इस आधार पे शक के आधार पे उसको पूछताछ लिया हमने, और जब पूछताछ की उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसमें पता चला कि माम जो लड़का था आशीष जो शाहपुरा तनखीकर या थाना दादिया का रहने वाला है, 19 वर्षीय है, और जो मृतक है उसका भांजा है। और इसमें जो कारण मेन जो सामने आया है, सबसे बड़ा कारण यह है कि मृतक था उसकी पत्नी जो उसकी मामी लगती सगी, उससे उसके अवैध संबंध है। इस चीज को लेके प्लान के तहत उसका मर्डर करना पाया गया है। वो प्री प्लान से वहां से चला था, 6 करीबन 6-7 बजे वहां से चला शाहपुरा से, साथ में जिससे जिस हथियार से उसने उस पर वार किया है, गंडा सा टाइप हथियार से उसको लेके निकला है। फिर लगभग 8 बजे वहां पहुंचा है, फिर रेकी की गई है। फिर जैसे ही मामा आता है तो वो दारू पीने का शौकीन थोड़ा शराब पीता है, तो वो पहले से पिया हुआ था, और उसको 2 पगड़ी वहां से ठेके से दिलाता है और उसको शराब पिलाता है, और वो लेके फिर उसको मोटरसाइकिल पे अपने पिताजी जो आरोपी है उसके पिताजी हॉस्पिटल एडमिट है उनको मिलाने का बहाना लेके मोटरसाइकिल बिठा के और पीछे नाला सा पड़ता है वहां पे लेके आ जाता है, वहीं बैठ के उसको और शराब पिलाता है। और प्लान के तहत जैसे उसका मुंह दूसरी तरफ था, वो प्लान के तहत टॉयलेट का बहाना करके वहां से उठता है और पीछे से गड्ढा से गर्दन पे वार करता है। बहुत गंभीर 4-5 बार किए हुए गंभीर तरीके से, इससे उसकी जो मृतक है उसकी मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में उसने बताया कि जो मेन चीज है जो मृतक की पत्नी उससे लगातार उसकी बात होती रही, जो हमने सीडीआर एनालिसिस किया उसमें पता चला कि वो लगातार कंटिन्यू बात पे था। मृत्यु करने के बाद आरोपी सीधा वहीं वापस अपने गांव चला गया और जो मृतक की पत्नी से उसके संपर्क में रहा, और वो लगातार ये देखता रहा कि आगे क्या कार्रवाई होनी वाली। तो इस आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया। पहले तो पूछताछ के बाद में इधर उधर गाता रहा, फिर उसे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने इस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस पर उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसको 3 दिन के किसी रिमांड पे लिया गया है। और भी कोई इसके साथ हो सकता है मिलीभगत में, कहाँ से वो बिठाया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से हथियार ले, ये सारी चीजों की तफ्तीश की जाएगी और बरामदगी की जाएगी। और भी कई लोग इसमें गिरफ्तार होने की संभावना? हाँ बिल्कुल, इसमें और भी लगभग कल तक हम कोशिश करेंगे, कल तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है, सभी को कल तक डिटेन कर लिया जाएगा। कभी घटना है कब समझे क्या प्रकरण था? ये परसों रात की घटना थी, जब उसका करीबन 9-9 बजे के आसपास जो आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि 9 बजे के आसपास मैंने उसको लिया था और रात को उसी टाइम पे उसको खत्म करके और वो तो चला गया उसके घर पे, और उसके भाई वगैरह उन्होंने तलाश भी की।
जिसने उसके भाई ने एक बताया कि राकेश है जिसने कि साहब मेरे ऐसे अज्ञात व्यक्ति ने मेरे भाई का मर्डर किया, तो उस आधार पर हमने सारी चीजें तफ्तीश में आने के बाद इस आशीष को गिरफ्तार किया गया।